पहले की स्त्रियां जब भी रसोई में जाती थी तो भोजन जब बनाती थी तो मौन होकर के भोजन बनाती थी, बोलती नहीं थी भोजन बनाते समय। और ये आदित्य भैया जी के सुपुत्र आदेश, अच्छा आदेश भैया जी के सुपुत्र बेदू वेदांत वेदांत ये 200 रुपए देकर के बच्चा सम्मानित कर रहा है। एक बार बच्चे के लिए जोरदार ताली में जाएंगे। भगवान से कम न करेंगे, सुख शांति प्रदान होती रहे। राम शंकर दादाजी दरगाहपुरा से, इनकी तरफ से 201 रुपए आए हैं। भगवान से कामना करेंगे, सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो पहले की माताएं जो होती थी रसोई में जब भोजन बनाती थी तो मौन होकर के भोजन बनाती थी, बोलती नहीं थी महाराज, किसी से बात नहीं करती थी। और पहले की माताओं की एक और आदत अच्छी थी, क्या कि रसोई में जब भी जाती थी तो स्नान ध्यान करके ही रसोई में भीतर प्रवेश करती थी। और आज के जमाने में हमने देखो सवेरे खटिया पे वो महाराज उठती और आंखें मींचती वहीं सीधी उनको सवेरे महाराज रसोई में ही उठ जाएगी। है सही बात है, नहीं होता है? अच्छा यहाँ कितनी माताएं ऐसी हैं जो सुबह नहा धोकर रसोई में प्रवेश करती हैं, हाथ उठाओ। सफेद झूठ बोल रही हूँ, हाँ हमें पता है। तुम जाती दीदी अनाज धो के जाती रसोई में, तो कितनी छोटी जीजी बेऊ रसोई में अनाज के जाती। हाँ पहले की जो माताएं हुआ करती थी वो नित्य प्रतिदिन नहा धोकर के महाराज रसोई में स्नान करके रसोई में प्रवेश किया करती थी। और आज के जमाने में 100% में तो 50% माताएं ऐसी हैं जो आंखी महाराज मींचती जाए नहीं और रसोई में घुसती जाए नहीं, उनकी आंखी महाराज रसोई में खुलती जाए। तैसे उनने अपने बच्चों बनाए ले कि बच्चा सवेर उठ पात नहीं और खटिया पे परे परे मम्मी चाय बनी कि नहीं बनी, भीतर से आवाज आई हाँ लला बनी, अब यार ले आप तो चार अब यार पे बाहर है तो चार। और ये परी छोटी बच्ची 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। 200 रुपए देकर सम्मानित कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ सरस्वती की दया दृष्टि बच्ची के ऊपर बनी रहे, बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, ये भगवान से कामना ही आराधना है। तो देखो कहा जाता है जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा आपका मन। मैया जो नहीं अनाय के जाती मैं सुन ले, घर की स्त्री जो होती है वो महाराज अन्नपूर्णा होती है। कौन होती है? अन्नपूर्णा। और कल भी हमने बताया था कि नारी के ही हाथ में होता है घर को स्वर्ग बनाना और नारी के ही हाथ में होता है घर को नरक बनाना। और आजकल की माताएं देखो भोजन तो बनाती करे लेकिन महाराज कहूँ बच्चन को गारी दिए, कहूँ पति को गारी दिए, कहूँ सास ससुर तक कहीं डुकरा डुकरिया और मारे दे दे अपने हाथन तो नहीं उठाए के खाए पात। पति ऑफिस से आई है जब कहे हमें गरम गरम भोजन चाहिए, जा काती जो दुश्मन ने मनाए जिंदगी बेकार कर दई, ऑफिस से आते हैं जो पूरे दिन जो होटल खुलवाए रात है, यही कहती है कि नहीं कहती? बच्चे स्कूल से आएंगे तो महाराज बच्चन पे कहूं झकझोरी है, कहूं बच्चन को चिल्लाई, कहूं कछु, कहूं तव पटकी है, कहूं चिमटा पटकी है, दैया जल गजन कौन सी आफत पड़ी हो इनके ऊपर, ऐसे करती हैं। एक बात याद रखना जितनी माताएं बैठी हैं, जब घर की एक स्त्री भोजन बनाती है तो आप जब भी भोजन बनाओ तो राम 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 कह करके अगर भोजन बनाओगी, भगवान का भजन करते हुए अगर भोजन बनाओगी तो वो भोजन भोजन नहीं बल्कि प्रसाद बन जाएगा। और जब वही प्रसाद आपके बच्चे खाएंगे तो उनकी बुद्धि भी शुद्ध बनी रहेगी। और अगर तुम बच्चन को गारी दियो और तुम टुकड़ा टुकड़ी इनको गारी दियो तो महाराज ध्यान रखना वो भोजन जब तुम चिड़चिड़ होकर के तुम भोजन बनाओगी, क्रोध से भोजन बनाओगी, क्रोध करके जब तुम्हारे बच्चे वही भोजन करेंगे, तुम्हारे घर परिवार वाले वही भोजन करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाएंगे, उनके भीतर भी क्रोध आएगा। इसलिए जब भी भोजन बनाओ तो राम राम कृष्ण कृष्ण रटते रटते भोजन बनाना चाहिए, ठीक है? ओके ओके। तो महाराज ध्यान रखना, आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, ये शोधा जो थी वो भोजन बनाती जा रही और भोजन बना रही। भगवान ने पूछा माँ
हमारे वृंदावन में ऐसा क्या है जो सभी सुंदर सुंदर वस्त्र पहने सुंदर सुंदर पकवान बना रहे? कोई आ रहा है या कोई उत्सव है? बताओ ना। तो मैया यशोदा तो छिप रही, तब तक बाबा नंद आए। बाबा नंद ने भगवान कन्हैया से कहा, बेटा अगर तुम जानना चाह रहे हो ना हमारे वृंदावन में क्या है, तो हमारे वृंदावन में कार्तिक के महीने में हम सभी वृंदावन वासी मिल करके इंद्रदेव का पूजन करते हैं। किसका? इंद्रदेव का। और जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं, और जब जल की वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, फसल अच्छी होती है, हमारा लालन पालन होता है। जब यह बात कही कि इंद्र का पूजन करते, भगवान बोले, बाबा आप तो सच में अंधविश्वास में पड़े हो। क्यों? क्योंकि जब ताओ वो इंद्र जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, भला वो इंद्र हमारी रक्षा क्या करेगा? और ये दुनिया बहुत बेढंगी है पिताजी, ये दुनिया बड़ी अंधविश्वासी है, वास्तव में अंधविश्वासी दुनिया है। अगर आजकल के लोगन से जब कह दे हो कि तुम सब गंगा जी में न जाए कि कुआ में डुबकी लगाए, आओ सब कम से दो जाइए, तो अगर एक जाइए तो पीछे पीछे सब जाइए। हाँ, बेशक कुआ में गिर के मर जाए लेकिन जाइए जरूर। और नहीं संतोष का ही बताइयो मैया, सीधो सीधो ना उसको बता। हाँ हाँ, हो तुम सीधो सीधो ना बताओ। विश्राम सिंह पूठन से ये माला पहनाकर सम्मानित कर रहे, 500 रुपए देकर सम्मानित कर रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो ध्यान रखना, दुनिया वास्तव में बहुत अंधविश्वासी है परीक्षा जी। अगर दुनिया वालन से कह दो कि तुम सब कुआ में डुबकी लगाया, तुम सबको कम से धो जाइए, तो बिना सोचे समझे जाइए और महाराज कुआ में डुबकी लगाए के वापस लौट आइए। देखो हम तुम्हें बताएं, दुनिया के ही प्रमाण दे आज के ही जमाने के। कछु दिन पहले मैया पीछे वाली कहां ध्यान है हमारे पास है तो ठीक। सुनो, कछु दिन पहले महाराज एक बहुत तेज खबर फैली थी। कौन सी आई? क्या गांव गांव में चुटिया चोर आए थे? हाँ, गांव गांव में चुटिया चोर आए थे और रात ही रात सबकी चुटिया कट जाती थी। तुम्हारे गांव को याद हो तो चुटिया चोर है भैया, डरन के मारे हेलमेट लगा लगा के सोए, कहूं चुटिया न कट जाए। अच्छा चच्चू को करा दो। चुटिया लंबी लंबी होगी। तो देखो ये सब क्या होता है, ये महाराज दुनिया का अंधविश्वास होता है। और भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कही, बाबा हम तुम्हें बताएं, दुनिया बड़ी अंधविश्वासी है, दुनिया बड़ी बेढंगी है। सुनो, कहे जा बेढंगी दुनिया, भूला भुलैया ने बोला की है, दुनिया बड़ी अंधविश्वासी है। और कैसी अंधविश्वासी है, बड़े ध्यान से सुन लेना पीछे वाले दादा। अरे दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले जावे, दुखिया भैया बोले, अरे दुखिया भैया पानी बाप को बाप
बंबई से, इनकी तरफ से 500 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बल भगवान से कामना करेंगे, सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे। और ये प्रिंस उर्फ राम जी माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। माँ सरस्वती की दृष्टि बच्चे के ऊपर बनी रहे, बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे, भगवान से कामना ही आराधना है। भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा कि दुनिया कितनी अंधविश्वासी है दादा, कि दुखिया भैया पानी मांगे तो लाठी ले जावे, और जिये तई बाप को बाप न समझे मरे गंग ले जावे। जोलो बाप जिंदा होवे तो न लड़का सेवा कत, न बहुए सेवा करती, न नाती पंती सेवा कत। और जब महाराज डोकर सिदाज जा स्वर्ग को, फिर देखो फिर बहुए उरुवती, फिर लड़का उरुवत, नाती उरुवत, फिर ऐसे गाय गाय के ढोला सुनात के जन कितो टुकड़ा को चौंत हुए। हाँ ऐसे महाराज रुवत करे, और जो लो बाप जिंदा रहो तो लो सेवा न कर पाई, तो लो महाराज बाप को एक लोटा जल न पिलाए पाओ, और जब बाप मरियो फिर देखो महाराज को चंदन से चंदन की लकड़ियन से जलात, तो गंगा जी में ले जात, कहूं कछु कत तो जे काए जे सब अंधविश्वास होता है। कहां से, कहां से? श्री लाल सिंह मास्टर साहब महमूदपुर से, इनकी तरफ से 500 रुपए आए हैं। मुलायम सिंह यादव मानपुर से, इनकी तरफ से 500 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे, सुख शांति प्रदान होती रहे, समाज पद प्रतिष्ठा बनी रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे। श्री गोविंद भगवान की। तो भगवान कन्हैया ने बाबा नंद से कहा, बाबा दुनिया अंधविश्वासी है, बेडंकी, इसलिए मेरी बात सुनो, आप इंद्र का पूजन न करो। नंद बोले तो किसका करें? बोले पूजन ही करना है तो गोवर्धन पर्वत का करो। तो बाबा नंद कहने लगे, अगर इंद्र नाराज हो गए तो? भगवान बोले इंद्र नाराज हो जाएंगे तो उन्हें हम देख लेंगे। तो बाबा नंद बोले, लाला तुम्हें नहीं पता, मेरी बात सुनो। अरे मान ले बात मेरी किसन कन्हैया, मान ले बात मेरी किसन कन्हैया, इंद्र हो गए हो गए तो वो पूजन हम लोगों की आफत आ जाएगी, इंद्र हम लोगों को मार देगा, जल की वर्षा नहीं करेगा, फिर धन धान्य कैसे बढ़ेगा। और इंद्र का पूजन मास से नहीं बल्कि कई वर्षों से करते आ रहे हैं, सुनो। अरे कई वर्षों से इंद्र को लाला पूजन जवाब।
जवाब दिया, कृष्ण मेरी बात मानो, इंद्र का पूजन करने दो, इंद्र नाराज हो गए तो हम लोगों की आफत आ जाएगी। भगवान बोले नहीं बाबा, पूजन होगा तो गोवर्धन पर्वत का। अच्छा सुनो दादा, परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज से कि भगवान कन्हैया ने गोवर्धन का पूजन क्यों करवाया और ये गोवर्धन महाराज थे कौन और ऐसा कौन सा कारण था जो भगवान ने इनकी पूजा करवाई। सोचने वाली बात है कि नहीं है, है? अच्छा किसी को पता है कि भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? पता है किसी को? हम बताएं? अब हम तो बताएं दादा, हम तो कम ही बताए। हाँ तो हम आपको बता रहे हैं कि भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई। सुनो, पहली बात तो ये कि इंद्र को अभिमान हो गया था तो अभिमान इंद्र का दूर करने के लिए भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सुनो, ये गोवर्धन पर्वत जो थे ये महाराज द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? द्रोणांचल पर्वत के। तो द्रोणांचल पर्वत के जब पुत्र थे गोवर्धन पर्वत, तो इन गोवर्धन पर्वत को इस वृंदावन में ब्रजभूमि पर महाराज पुलस्त्य ऋषि लेकर के आए थे और जब पुलस्त्य ऋषि लेकर के आए तो बात ये बनती है कि भगवान ने इनका पूजन क्यों करवाया। तो सुनो, त्रेता युग की बात है, त्रेता युग की। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम लंका में जाने के लिए सेतु का निर्माण कर रहे थे और जब महाराज सेतु जो पुल था जब वो समुद्र के ऊपर बन रहा था तो जितनी भी बानर सेना थी वो छोटे छोटे महाराज पत्थर ला करके और समुद्र में डाल रहे थे। हनुमान जी ने देखा कि बानर सेना है छोटी छोटी, अब पत्थर जो छोटे छोटे लाए के डाल रहे हैं इसमें समुद्र में, ऐसे तो पुल बनने में टाइम लग जाएगा। तो हनुमान जी की क्षमता थी पूरा पर्वत उठाने की, तो हनुमान जी चले और चल करके हनुमान जी को यही गोवर्धन पर्वत मिले। तो हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को ही उठा लिया, उठा करके चलने लगे महाराज। और जैसे ही चलने लगे तब तक राम जी का आदेश आ गया, हनुमान तुम जो भी पर्वत ला रहे हो उसे तुम वहीं रख दो क्योंकि सेतु पूरा बन चुका है। अब हनुमान जी उस पर्वत को गोवर्धन पर्वत को वहीं रखने लगे, गोवर्धन पर्वत रोने लगे। तो हनुमान जी बोले भैया तुम रोए काहे को रहे? गोवर्धन पर्वत बोले महाराज हम जासो रोए रहे कि हम ये चाहते थे कि हम अगर राम की सेवा में लग जाते तो प्रभु श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़ते और जब प्रभु श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़ते तो मेरा भी भाग्य खुल जाता, मेरा भी जीवन धन्य हो जाता, लेकिन ऐसा हमारा सौभाग्य नहीं जो प्रभु श्री राम के चरण मेरे ऊपर पड़ सके। पर्वत रोने लगा, हनुमान ने खबर पहुंचाई राम जी के पास में कि महाराज पर्वत तो रोए रहो। तो राम जी ने उस गोवर्धन पर्वत से कहा कि सुनो, त्रेता युग में अगर तुम मेरी सेवा में नहीं लग पाए कोई बात नहीं, द्वापर जब आएगा जब मैं कृष्ण का अवतार धारण करूंगा तब मैं आ करके तुम्हारी पूजा भी करवाऊंगा और पूजा करवाने के बाद में तुम्हारी जो भी इच्छा है उस इच्छा को मैं पूरा भी करूंगा। सुनो, अगर त्रेता युग में तुम मेरी सेवा में लग जाते तो तुम मेरे नीचे होते हो, हम तुम्हारे ऊपर होते, लेकिन द्वापर जब आएगा तो द्वापर में हे गोवर्धन पर्वत तुम मेरे ऊपर रहोगे, हम तुम्हारे नीचे रहेंगे। इसी कारण से भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण किया था। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जान गए कि भगवान ने क्यों गोवर्धन की पूजा करवाई, क्योंकि गोवर्धन महाराज को त्रेता युग से ही वरदान लगा था। बोली गोवर्धन महाराज की। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा नंद अगर पूजा होगी तो सिर्फ और सिर्फ गोवर्धन पर्वत की, अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे तो उन्हें फिर हम बाद में देख लिए। उसी समय आज ध्यान रखना परीक्षित जी महाराज, धीरे धीरे नंद जी ने सारे वृंदावन वासियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहा आज कोई भी इंद्र का पूजन नहीं करेगा, पूजन होगा तो सिर्फ और सिर्फ गोवर्धन पर्वत का।
को वृंदावन वासी बोले अगर गोवर्धन इंद्र नाराज हो गए तो भगवान बोले चिंता ना करो इंद्र नाराज हो जाएंगे बाद में उन्हें हम देख लेंगे। सारे वृंदावन वासी गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले। सुंदर सुंदर पकवान जो बनाए थे वो लिए साथ में और सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके चलने लगे महाराज गोवर्धन का पूजन करने के लिए। सबसे पहले परीक्षक जी महाराज यज्ञपति महाराज अपने परिवार सहित आएंगे गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे और उसके बाद में जितनी भी माताएं भोग लेकर के आई हैं वो एक एक करके आएंगी और भोग लगाएंगी। प्रसाद लेके आई हो अपने अपने घर से को ले आओ हाथ उठाओ। पंडित जी कह मैया और का तुम अपने सास ससुर को खवाए हो बोला गलत बात है। गोवर्धन महाराज का जन ले आती निकमाई का जन ले आती एक एक पूरी। हाँ बोली गोविंद भगवान की तो महाराज ध्यान रखना आज सारे वृंदावन वासी जो हैं गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। और कैसे जा रहे भैया क्या मैं तो गोवर्धन को अरे जाऊं मेरे वीर राम को नाम ले ले बोल ले जने को मांस की जीव को हलाए ले हो माटी के पुतलो हैं ऐसे बैठे से जब गोवर्धन महाराज नहीं बैठे जब कहीं नहीं जाते क्या खाओ ना पियो लला जुग जुग जियो तसो ही तुम आओ आले बोल ले ओ मैया बोल ले ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनुआ क्या बात है जाऊं मेरे